अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ असद अली बाजवा। बच्चे, आज का जो हमारा FSC पार्ट वन का लेक्चर है, आज हम एक्सरसाइज 12.6 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज 12.6 में हमें तीनों साइड्स दी गई हैं। क्या दिया गया हमें? तीनों साइड्स की वैल्यू दी गई हैं ऑफ अ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स की हमें वैल्यूज दी गई हैं। और हमने बाकी जो एंगल्स हैं, हमने तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चे, इसके लिए हमारे पास केस होगा, पेयर नंबर हमारे पास है जी, पेयर नंबर 371, कि जहाँ से हमने 12 पॉइंट एक्सरसाइज एंड अप की थी, उससे नीचे हमारे पास केस नंबर 3 है, व्हेन मेजर्स ऑफ थ्री साइड्स आर गिवन, कि जब तीन साइड्स के किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स दी गई हों, तो एंगल्स फाइंड करने के लिए हम लॉ ऑफ कोसाइन भी यूज कर सकते हैं, या हाफ एंगल फार्मूलाज जो है वो भी यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो लॉ ऑफ कोसाइन तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता था हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन? के ए स्केयर इक्वल बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर माइनस 2BC कॉस अल्फा, एक ये हमारे पास फॉर्म थी। क्या था हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन? ए स्केयर इक्वल बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर माइनस 2BC कॉस अल्फा। और बी स्केयर इक्वल होता है ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2AC कॉस बीटा, ठीक है। और सी स्केयर इक्वल होता है बी का स्केयर प्लस ए का स्केयर माइनस 2AB कॉस गामा, ठीक है। ये हमारे पास तीन फॉर्म्स हैं लॉ ऑफ कोसाइन की। तो जब हमारे पास तीन साइड्स दी गई हो, तीन साइड्स कौन सी है? ए बी और सी। जब ए बी और सी की वैल्यूज दी गई हो, तो बाकी एंगल्स फाइंड करने के लिए हम ये लॉ ऑफ कोसाइन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। या अब ए की वैल्यू पुट करें बी की सी की, तो ये 2BC उधर जाके प्लस का होगा, ठीक है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो ये फार्मूला यूज करें, बीटा की निकालनी हो ये करें, और गैमा की निकालनी हो तो ये करें। या हम हाफ एंगल फार्मूलाज भी यूज कर सकते हैं। और हाफ एंगल फार्मूलाज देखिए बच्चे हमारे पास क्या है, कि साइन अल्फा बाई टू इक्वल होगा एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। क्या होगा? s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। और बच्चे यहां पे ये जो हमारे पास s आ रहा है, s इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू के। s का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डिवाइडेड बाय टू। अंडरस्टैंड? तो जब हमारे पास तीनों साइड्स दी जाए ट्राइंगल की, तो उसके लिए या तो हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर सकते हैं, या लॉ ऑफ हाफ एंगल फार्मूलाज को यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड बच्चे? तो हाफ एंगल फार्मूला देखें तो साइन अल्फा बाई टू इक्वल है एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। के साइन के लिए इसको याद रखने का ये हमारे पास मेथड होगा, कि अगर यहां पे अल्फा आ रहा है तो एस में से यहां पे ए को आपने माइनस नहीं करना। क्या नहीं करना? कि एस में से ए को माइनस नहीं करना, क्योंकि अल्फा से रिलेटेड जो साइड है वो ए होती है, बीटा से रिलेटेड साइड बी होती है, और गैमा से रिलेटेड साइड सी होती है। तो यहां पे हमने एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई क्या कर दिया? बी सी। अब उसके बाद साइन बीटा बाई टू इक्वल है एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी।
ठीक है, कि इसमें हमने एस में से बी को माइनस नहीं किया, और नीचे वही वैल्यू लिखेंगे जो ऊपर हमने माइनस की होती है, उनको मल्टीप्लाई करवा के नीचे लिखते हैं, ऊपर के आगे अंडर रूट। इसी तरह साइन गैमा ओवर टू इक्वल होगा एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी। अंडरस्टैंड बच्चे? सेम इसी तरह से कॉस अल्फा ओवर टू इक्वल होगा एस इन टू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी। ये आपकी बुक पे फार्मूलाज लिखे हुए हैं, पेज नंबर 364, 365 और 366 पे ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं। कॉस बीटा ओवर टू इक्वल होगा एस इन टू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए सी। कॉस गैमा ओवर टू इक्वल होगा एस इन टू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी अंडर रूट होगा, ठीक है। और सेम इसी तरह टेन अल्फा ओवर टू, टेन बीटा ओवर टू और टेन गैमा ओवर टू के फार्मूलाज भी दिए गए हैं। अब इन्हीं फार्मूलाज को यूज करते हुए एक्सरसाइज 12.6 जो है हम वो आज सॉल्व आउट करते हैं। तो आते हैं हम बच्चे एक्सरसाइज 12.6 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 12.6 का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व आउट करने जा रहे हैं, और जो अभी फार्मूले में हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं फार्मूलाज को यूज करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन विच ए इक्वल है 7 के, बी इक्वल 7, सी इक्वल 9 के। तो बच्चे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया अभी जो इससे पहले कि अगर हमारे पास तीनों साइड्स दी गई हों ट्राइंगल की, तो तीनों साइड्स दी गई हों तो हम उनसे रिलेटेड एंगल्स फाइंड करते हैं, और एंगल्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लॉ ऑफ कोसाइन भी यूज कर सकते हैं या हाफ एंगल फार्मूलाज को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखे हमने अभी एस का फार्मूला पढ़ा है, एस इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के। अब यहां पे ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 2, इक्वल आ गया हमारे पास, इन तीनों को ऐड करें सम करें इनका तो क्या आ गया 23 डिवाइडेड बाई 2, और 23 डिवाइडेड बाई 2 करें तो हमारे पास एस की वैल्यू क्या आएगी 11.5। अब इसके बाद हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और गैमा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर आप यहां पे लॉ ऑफ कोसाइन यूज करते हैं तो लॉ ऑफ कोसाइन के लिए आपको एस की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडरस्टैंड? तो देखिए यहां पे अभी जो हमने फार्मूले डिस्कस किए हैं उसमें कॉस अल्फा बाय 2 इक्वल था एस इन टू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। अंडरस्टैंड? अब एस किसके इक्वल है 11.5, एस की जगह पे हमने 11.5 पुट किया, यहां पे 11.5 माइनस ए की वैल्यू क्या है 7, माइनस क्या आ गया 7 डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू क्या है 7 और सी की वैल्यू क्या है 9 है। तो यहां पे 11.5 में से 7 को माइनस करें तो क्या आ गया 4.5 डिवाइडेड बाय 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है बच्चे 63 आएगी, ठीक है। अंडरस्टैंड? अब उसके बाद इन तीनों वैल्यूज को सिंप्लीफाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, जो आंसर आए उस आंसर को 63 पे डिवाइड करवा दें तो यहां से कॉस अल्फा बाय 2 इक्वल आएगा 0.821 आएगा। अब यहां पे कॉस अल्फा बाय 2 अगर इसका अंडर रूट लिया जाए तो अंडर रूट आएगा 0.906 आएगा। अब ये कॉस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चे, जब ये दूसरी साइड पे गया तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स होगा, तो अल्फा बाय 2 इक्वल आ गया कॉस इनवर्स 0.906। तो यहां से बच्चे अल्फा बाय 2 इक्वल आ गया। ये कॉस इनवर्स हम कैलकुलेटर पे कैसे लेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करें, ठीक है, उसके बाद कॉस का बटन प्रेस करें और वो हमारे पास कॉस इनवर्स हो जाएगा, साथ में ये वाली वैल्यू लिखें तो ये इक्वल आएगा 24.99 और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 25 डिग्री के। अब ये टू इधर डिवाइड हो रहा है,
दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से अल्फा किसके इक्वल आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 करें तो क्या आएगा, 50 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, यहां से 50 आ जाएगी। ये तो हमने अल्फा की वैल्यू निकाली, अब इसके बाद हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए फार्मूला होगा cos बीटा बाय 2 इक्वल आएगा s इंटू s माइनस बी डिवाइडेड बाय ए सी। ठीक है, तो यहां पे भी हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखिए s की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 11.5, यहां पे भी क्या आ गया 11.5 माइनस b की वैल्यू हमारे पास 7 दी गई है वो हमने पुट की, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू भी 7 और c की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। तो बच्चे ये भी वही वैल्यूज हैं जो अल्फा के लिए हमारे पास वैल्यूज आई थी। तो इससे मैंने ये वाले जो स्टेप हैं इनको स्किप कर दिया, वो आपने खुद ही दरमियान में कर लेने हैं। तो यहां से भी बीटा भी किसके इक्वल आएगा, 50 डिग्री के इक्वल आएगा। अब उसके बाद हमने गैमा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होता है 180 के। ये कैसे होता है कि किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का जो सम है वो सम इक्वल होता है 180 के। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल आया 180 के। अल्फा की वैल्यू 50 डिग्री, बीटा की वैल्यू 50 डिग्री, प्लस गैमा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे इक्वल किसके आ गया 180 के। अब 50 प्लस 50 करें तो क्या आएगा 100, ये 100 दूसरी साइड पे गया तो क्या आ गया माइनस हो जाएगा। 180 में से 100 को माइनस किया तो गैमा की वैल्यू क्या आ गई 80 आ जाएगी। तो बच्चे इसी मेथड से इसी फार्मूलाज को फॉलो करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व आउट करने हैं। यहां पे आप देखें तो हमने अल्फा बीटा और गैमा की वैल्यूज निकालने के लिए हमने काज वाला फार्मूला यूज किया है। तो बच्चे ये आप की चॉइस है, आप इसमें इजीली फ्री हैं कि आप यहाँ पे काज वाला फार्मूला यूज करें या साइन वाला फार्मूला यूज करें या टैन वाला फार्मूला यूज करें। तो हमेशा ही आपके पास अल्फा बीटा और गैमा की जो वैल्यूज हैं वो सेम ही आएंगी। ठीक है, और ये जरूरी भी नहीं है कि आप इसमें ला ऑफ कोसाइन ही यूज करें, सॉरी ला हाफ एंगल फार्मूलाज ही यूज करें, इसमें आप ला ऑफ कोसाइन भी यूज कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया पहले सबसे पहले। तो बच्चे आई होप कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आप बाकी के क्वेश्चन नंबर 5 तक इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि आपको 100% ही इस लेक्चर से समझ आ जाए। तो बच्चे अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप दोबारा मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मेरी हेल्प ले लिया करें। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा तो आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो बच्चे आप लाजमी तौर पे कोई ना कोई क्वेश्चन किया करें और क्वेश्चन खुद सॉल्व करके मुझे सेंड भी किया करें, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं अगर लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ तो आप भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मुझे दे रहे हैं। अभी तक आपकी तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मैं अगर टेस्ट लूँ तो टेस्ट में भी आप लोग नहीं दे रहे, अगर मैं लेक्चर दूँ तो ये पूछूँ कि समझ आ गई है फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो बच्चे रिस्पॉन्स किया करें। तो ऑल स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।